उत्तराखंड में अब 2000 मीटर से 3500 मीटर तक वन्य जीवों की गणना की जा रही है। पहले 2000 मीटर तक ही वन्य जीवों की गणना होती थी, अब वन विभाग वन्य जीवों की गणना को बड़े स्तर पर कर रहा है ताकि पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास रहे, साथ ही वन्य जीव और मानव संघर्ष को भी कम किया जा सके। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड पराग मधुकर धताके से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ने, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में सुनिए। उत्तराखंड में वन्य जीवों की गणना के लिए अब बड़े स्तर पर वन विभाग काम करने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं मुख्य वन जीव प्रतिपालक पराग मधुकर धताके, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके का आप लोगों का पूरा प्लान है आगे का कि वन्य जीवों की गणना हो सके और एक वृहद स्तर पर हो सके? मुख्य रूप से उत्तराखंड वन के साथ साथ वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र भी है। यहाँ पे विविध प्रकार के जो हमारे टारगेट स्पीसीज है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, हाथी भी है। इसके अलावा बहुतायत में जो है हमारे अंगुलेट्स, जो हमारे डियर स्पीसीज होते हैं, सांबल, चीतर, उसके बाद आपका हिमालय के क्षेत्र में देखेंगे तो हिमालयन थार भी यहाँ उपस्थित है, यहाँ पे इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो तीन क्षेत्रों में हम लोगों ने अगर बांट सकते हैं इसको उत्तराखंड को, तो जो हमारा तराई व भावर का क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से हमारे ऑल इंडिया टाइगर सेंसस के अंतर्गत हम लोग वन्य जीवों की गणना करते हैं। साथ ही में जो 3500 मीटर के भू के क्षेत्र है, ऐसे जो मतलब बर्फीले क्षेत्र है, पहाड़ के क्षेत्र है हमारे हिमालय के, जहाँ पर हम लोग स्नो लेपर्ड की गणना के माध्यम से, जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हम लोग स्नो लेपर्ड और बाकी जानवरों की गणना कर रहे हैं। जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है हमारा, जो 2000 मीटर से लेकर 3500 मीटर MSL के क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, साथ ही में जो है बागेश्वर, पौड़ी, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस भी बहुत है, साथ में वन्य जीवों की जो है उपस्थिति भी बहुत है। तो इसी क्षेत्र में जो है मिडिल हिमालय क्षेत्र में हम लोग एक बृहद स्तर पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से, तकनीकी मदद से हम लोग ये एनिमल सेंस काउंटिंग का जो एस्टिमेशन का जो प्रोग्राम है हमारा, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसी क्रम में फेज़ वन में जो है इसी सभी क्षेत्रों में जो है उसकी जानवरों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के जो प्रमाण जो थे उसके आधार पे हम लोग कैमरा ट्रैप के माध्यम से हम लोग इसका काउंटिंग और जो एस्टिमेशन है वो करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें लाइन ट्रांजैक्ट्स भी होगा, पॉइंट काउंट भी होगा, कैमरा ट्रैप से मदद से जो है हम लोग फोटो भी कैप्चर करेंगे, और साथ ही में मुख्य रूप से कुछ कुछ जगह पर जो है जहाँ आवश्यकता है, जहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएँ ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्कैट बेस्ड या DNA बेस्ड जो हमारा तकनीक है उसके माध्यम से जो है वन्य जीवों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून।